गाइज आज किस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इस तरीके से येलो टोन में फोटो को एडिटिंग कर सकते हो एंड साथ ही साथ स्काई का कलर भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके का एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो आपको भी सीखना है ना कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना ओनली लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो आप लोग ना इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा बिना स्किप किए। जो भी भाई इस वाले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेगा ना वो भी कुछ इस तरीके के एडिटिंग करना ना सीख जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल सी फोटो है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ सेंड वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में यहाँ से ऐड कर लेना है ऐड टू एलर करके, और उसके बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ पहले। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लेना जिस फोटो को आप ऐड किए थे। ओपन करते हैं एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लाइट के एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। तो उसके लिए लाइट वाले टूल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज कर लेना है आपको प्लस में 10% एंड गाइस यहाँ से हाईलाइट्स को डिक्रीज करना है और डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में 53% रख लेना है एंड गाइस शेडोज को यहाँ से आपको इंक्रीज करना है और 18% आपको रख लेना है प्लस में, ठीक है। और वाइट्स को यहाँ से आपको डिक्रीज करके माइनस में 23% कर लेना है और यहाँ से आपको ब्लैक्स को भी डिक्रीज करके माइनस में 22% कर लेना है। इतना सेटिंग अपने फोटो के अंदर कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे कलर वाले टूल पर क्लिक करके यहाँ से टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को इंक्रीज करके आपको 55% रख लेना है प्लस में और टिंट को यहाँ से आपको डिक्रीज करके माइनस में 10% कर लेना है। वेवरेंस को इंक्रीज कर लेना है, यहाँ से आपको वेवरेंस को इंक्रीज करके यहाँ से 37% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है और इसका सेचुरेशन पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है और यहाँ से आपको ह्यू को इंक्रीज कर लेना है। ह्यू को इंक्रीज करके यहाँ से 45% रखना है एंड गाइस यहाँ से ल्यूमिनस को हल्का सा डिक्रीज करके माइनस में 16% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सैचुरेशन को पूरा इंक्रीज करके 100 करना है एंड गाइस यहाँ से आपको ह्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। ह्यू को डिक्रीज करके यहाँ से आपको 80 के राउंड रखना है ह्यू को, ठीक है। यहाँ से आपको 80 कर लेना है माइनस में और यहाँ से ल्यूमिनस को भी हल्का सा डिक्रीज कर लेना है। हल्का सा डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में 16% रख लेना है। अब यहाँ से आपको स्किन वाला कलर को सिलेक्ट करना है, यानी कि ऑरेंज कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसका सैचुरेशन यहाँ से आपको डिक्रीज करना है और डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में आपको 47% रख लेना है, यानी कि 48% आपको रख लेना है, 1% इधर उधर रख लेना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ल्यूमिनस को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे हम, हल्का सा इंक्रीज करके यहाँ से आपको 9% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको एक्वा ब्लू सेलेक्ट करना है एंड गाइस इसका सैचुरेशन पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है और उसके बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ पे आपको साइड में एक ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ग्रेडिंग वाले टूल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले तो आपको शेडोज दिख जाएगा एंड गाइस यहाँ पे मिटोस यहाँ पे हाईलाइट्स, ठीक है। तो हाईलाइट्स को आपको सेलेक्ट करना है, थर्ड नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको हाईलाइट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ना बीच से पकड़ के कुछ इस तरीके से हल्का सा ब्लू का साइड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ह्यू की वैल्यू यहाँ पे 235 रख लेना है एंड यहाँ सैचुरेशन की वैल्यू आपको 49 रख लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर लेना है। अब यहाँ नीचे आपको इफेक्ट वाले टूल पर आना है। इफेक्ट वाले टूल पर आने के बाद यहाँ टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज कर लेना है प्लस में 6% और क्लियरिटी को वैल्यू यहाँ से आपको इंक्रीज करके 8% कर लेना है। डी एस के वैल्यू को रख लेना है 8% और बिगनेट को यहाँ से हम डिक्रीज कर लेंगे 43%। इतना करने के बाद जैसे मिड पॉइंट को भी हम डिक्रीज कर लेंगे माइनस में आपको रखना है 36% एंड गाइस फेदर को इंक्रीज कर लेंगे हल्का सा हम यहाँ पे 73% और राउंडनेस को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेना है आपको 47%। इतना करने के बाद यहाँ नीचे आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 12% एंड गाइस यहाँ से मास्किंग को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे हम 12% और नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज कर लेना है 100 यहाँ से, ठीक है। 80 के राउंड आपको रखना है 82% एंड गाइस यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 1% और यहाँ से आपको स्मूथनेस को फुल 100 कर देना है ताकि आपकी फेस फुल HD क्वालिटी में हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो अभी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो इस फोटो के अंदर ब्लू सा टोन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको आ जाना है ऊपर टू मास्किंग वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है, सबसे ऊपर। और यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर रेंज का एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे कलर रेंज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको ना स्काई के ऊपर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। स्काई के ऊपर रखने के बाद यहाँ पे आपको रिफाइन की वैल्यू हल्का सा कम कर लेना है, ठीक है। और कम करने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे कलर वाले टूल पे आपको क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करके और यहाँ से आपको कलर को सेलेक्ट करना है, जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं
यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो एडिट हो चुकी है फुल HD क्वालिटी में। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके का ऑप्शन आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करते आपकी फोटो फुल HD क्वालिटी में गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।